वेलकम बैक श्री, वापस हम आ गए और हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं, वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे होते हैं. फैशन इंडस्ट्री के कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो आपको नजर आ रहे होते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे होते हैं, हमारी थिएटर के, एंड ऑल दीज पीपल, सिंगर्स होते हैं जो आपको फ्रंट लाइन पे नजर आ रहे होते हैं. मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली उन लोगों को बनाने वाले होते हैं, उनको गाइडलाइन देने वाले होते हैं, उनको वो बहुत सारी राहें देने वाले होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, और बहुत गाइड करते हैं उन लोगों को. एंड होता यह है कि वो लोग जो हैं जो स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा लोग उनको जान भी लेते हैं और उनके काम को मानते हैं एवरीथिंग, मगर वो लोग जो पीछे काम कर रहे होते हैं और जिनका विजन होता है, उनसे हमारी बड़ी कम कम मुलाकात होती है. और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात जरूर करवाई जाए और जो उनका विजन है उस हवाले से आप तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वो उनकी क्या सोच है और किस तरह से वो अपने मुल्क के हवाले से काम कर रहे हैं. और अब जब हम अपने मुल्क के बात करते हैं तो जो हमारा कल्चर है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम जिस तरह हम अपने कल के भी शो में यही बात कर रहे थे, अगर हम अपने कल्चर को भूल जाएं और दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दें और पाकिस्तान का कल्चर कहीं इधर उधर चला जाए, तो हमारी कोई शनाख्त, हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी. हम कहीं पर भी चले जाएं दुनिया के अंदर, लोग हमें ये कहेंगे कि हाँ ठीक है पाकिस्तानी है, मगर इनका कल्चर क्या है वो कुछ समझ नहीं आती. तो आई थिंक अगर ऐसे लोग हों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप अपने कल्चर को, आपके मुल्क की ब्यूटी है उसको आप प्रमोट करें और लोगों के सामने पेश किया जाए, आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये जो बेड़ा है ये सर पे अपने उठाया है हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं. ही हैज बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री टू प्रमोट न्यू पीपल, जो नए मॉडल्स होते हैं, और बहुत सा टैलेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन पाकिस्तानी लोगों को कि वो अपना टैलेंट और जो भी उनकी सलाहियतें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को बता सकें कि हम पाकिस्तानी हैं एंड वी कैन डू ऑल दिस. हमारे साथ हैं बेस्ट मॉडल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ एनजीओ है उसके लिए भी काम करते हैं, जिसका नाम है, फाउंडर मेंबर हैं उस एनजीओ के, सेव आर मदर अर्थ. अब ये फैशन और ये एनजीओ, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मगर कई दफा इन दोनों चीजों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस इन्होंने किया. हमारे साथ हैं मोहम्मद उस्मान अमन. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू. ठीक ठाक ही? आई एम ऑल राइट अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ी बात होती है कि इंसान अपने आप को पीछे रख के बाकी सारे लोगों को प्रमोट करो. हम आपसे गुफ्तगु करेंगे जो भी आपने पिछले 10 सालों में काम किया है, एंड यू हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क. हम ये चाहेंगे कि इससे पहले कि हम गुफ्तगु को आगे बढ़ाएं, एक पैकेज जो है हमारे पास आपका, उस हवाले से हम बात भी करेंगे, मगर उससे पहले वो देखेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दैट पैकेज. बहुत सारी मॉडल्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई इंटरनेशनली, वो देखते हैं. लेट्स सी व्हाट ही हैज डन इन लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स फॉर पाकिस्तान.
एक क्विक लुक थी उस काम की और उन तमाम लोगों की जो इंट्रोड्यूस करवाए मोहम्मद उस्मान अमन ने पिछले तकरीबन 9-10 सालों में. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो उस्मान मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने LLB किया है बेसिकली. जी. ठीक है. और जो आपकी बेसिक एजुकेशन है लॉ फैशन, दूर दूर से इनका कोई ताल्लुक है वैसे? नहीं, कतई नहीं. कोई ताल्लुक तजाद है, बहुत तजाद है. ठीक है. तो ये किस तरह से आप LLB आपने अपनी चॉइस पे किया था या आपने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए किया था? बिकॉज जिंदगी में हम आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हम बहुत सारे काम जो है ना लोगों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं. पेट को खुश करने के लिए किया. अच्छा. तो पेट खुश नहीं हुआ? पेट बहुत खुश है. किससे, कौन सा वाला काम पेट को खुश करने के लिए किया था, LLB करना या ये काम जो शुरू किया? मेरा ख्याल एक साउंड डिग्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है एनीबॉडीज लाइफ, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, लेकिन दे हैव टू फॉल बैक ऑन समथिंग फॉर बैड टाइम्स. राइट. तो प्रोबेबली आर यू ट्राइंग टू से कि खुदा ना खास्ता अगर कभी फ्यूचर में आपको LLB की तरफ वापस जाना पड़ा, आपको लगता है वहां पे आपका काम बन जाएगा? एटलीस्ट हाथ पैर तो चला ही लेंगे. ठीक. तैरना आ जाए तो बंदा डूबता तो नहीं है. ये तो बात बिल्कुल सही. ठीक ठीक. तो फिर आपकी एकदम से जो ये स्टार्ट हुआ बेस्ट मॉडल पाकिस्तान, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरह से ये स्टार्ट किया? बिकॉज इससे पहले कभी हुआ नहीं था. बेसिकली जो डिलेमा था वो ये था कि जब बेस्ट यूनिवर्सिटी में था और वो था, तो मेजॉरिटी को पाकिस्तान का पता ही नहीं था कि पाकिस्तान मुल्क क्या है. ठीक. तो जो आपने जिक्र किया सेवा मदर अर्थ का, तो सब मैंने वो NGO का कायम शुरू किया था टू प्रमोट पाकिस्तान दी एनवायरमेंट कॉजेज, बिकॉज आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट और एनिमल राइट्स और इन चीजों के ऊपर शुरू हुआ NGO का काम. और आपने सोचा कि एनिमल राइट्स के ऊपर तो बाद में काम करेंगे, पहले इंसानों के राइट्स? नहीं, अभी सम का काम शुरू ही हुआ था. तो सितंबर 11 का ट्रेजिक इवेंट हो गया स्टेट्स में. right. और मैं जिस तरह से पाकिस्तान का नाम चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का माशाल्लाह नाम काफी इंटरनेशनली हो गया. जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जान गए इन दी रॉन्ग मीन्स. सर्टनली पाकिस्तान वो नहीं है, बहुत खूबसूरत मुल्क है मैं पर्सनली समझता हूँ. और क्यों टूरिस्ट नहीं आता हमारे? तो उसको प्रमोट कैसे किया जाए, कैसे सही इमेज पोर्ट्रे की जाए? और वो हुआ तो फिर बेस्ट मॉडल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इट्स अगेन मोर ऑर लेस अ नॉन डोनेशन टेकिंग NGO विच वर्क्स फॉर प्रमोटिंग पाकिस्तान टूरिज्म कल्चर इंटरनेशनली. ठीक है. पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट करते हैं, टूरिज्म एंड कल्चर. ठीक है. ठीक है. मगर पाकिस्तान का कल्चर और जो टूरिज्म है वो बाहर के मुल्कों में जाके किस तरह से प्रमोट किया जाता है? देखें, जो डेलीगेट पाकिस्तान से डिस्पैच होके जाता है वो अपनी जात से ज्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. उनको जो हम ट्रेन करते हैं प्रोफेशनली उन कॉम्पिटिशन के लिहाज से, तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक तो सही उसमें करें. फिर बहुत सारे राउंड होते हैं, जैसे नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड है, आप इवनिंग वेयर है. अच्छा, कितने राउंड्स होते हैं जो आप मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन होते हैं? ब्यूटी क्वेस्ट जिस तरह से है, एक यहाँ पे आपका मिस पाकिस्तान क्वेस्ट है, देन बेस्ट मॉडल पाकिस्तान इज सेपरेट, एंड देन मैन हंट मर्दों के बारे में भी आपने सोचा इंटरनेशनल. बेसिक कॉम्पिटिशन तो दोनों साइड्स पे हो रहे थे, और लड़कों में जॉन अब्राहम वॉज पार्ट ऑफ मैन हंट इंटरनेशनल. तो उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान के लड़कों का बहुत शुरू हुआ, बट इट came a year later to Miss Pakistan Quest. I started off with Miss Pakistan Quest. फिर बहुत सारे लड़कों की वो आई, फिर मैनहंट पाकिस्तान भी शुरू हुआ. फिर दो कॉम्पिटिशन कराना बड़ा हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, मुश्किल काम है. तो उसके बाद वैसे मर्दों के साथ हैंडलिंग ज्यादा मुश्किल है या खवातीन जिनको आप यहाँ से लेकर जाते हैं? एट टाइम्स करेक्ट लड़कियों को एट टाइम्स दोनों के साथ हो जाता है. इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन. ठीक ठीक. फिर दोनों का मर्ज किया. एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई जिसमें दोनों की आइडेंटिटीज को मिला के मिस पाकिस्तान और मैनहंट पाकिस्तान मिलाया गया, और बेस्ट मॉडल पाकिस्तान बिल्कुल सही कंबाइन हो गया. बिल्कुल सही. विद 10 एंट्रीज ऑफ मेल्स एंड 10 एंट्रीज ऑफ फीमेल्स एंड द बेस्ट One goes international. अच्छा ठीक है. तो वो मेल और फीमेल का आपस में भी होता है या इट्स सेपरेट, मतलब मर्दों का अलग है और लड़कियों का अलग है? एक ही कॉम्पिटिशन को कर दिया. लेकिन ऑब्वियसली विनिंग क्राइटेरियाज दोनों के